हेलो दोस्तों, नमस्कार। सॉफ्ट स्टडी में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ साहू और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल सॉफ्ट स्टडी गवर्नमेंट जॉब न्यूज। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा जो अभी चलाई जा रही है, वर्ग एक एवं वर्ग दो के बैठों के 16 तारीख से एग्जाम और वर्ग एक के 11 फरवरी तक आपके एग्जाम होने वाले हैं। दोस्तों, इन सभी के लिए खुशखबरी है जो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, जिनके 75 से कम अंक आए हैं, जिनके जनरल में 90 से कम अंक आए हैं, मतलब जो कुल मिलाकर क्वालिफाई नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों, इनके लिए खुशखबरी है। तो इस वीडियो में हम पूरी जानकारी आपको देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा, बने रहें हमारे साथ वीडियो के अंत तक। यदि पूरी जानकारी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिख रहे सब्सक्राइब बटन, लाल बटन को क्लिक करना होगा और जैसे उसके बाद जो बेल आइकन आता है उसे भी प्रेस करना होगा। दोस्तों, यह बिल पूरी प्रोसेस बिल्कुल फ्री है। तो चलिए अब वीडियो में आगे चलते हैं। तो दोस्तों, आज एक न्यूज़ प्रकाशित की गई है जिसे आप देख सकते हैं। पूर्व में अर्हता अंकों की पात्रता का आदेश हो निरस्त, जो दोस्तों क्वालिफाइंग मार्क्स हैं यहाँ पर 75 और 90, उनको निरस्त किया जाए और दोस्तों मेरिट सूची और रिक्त पदों के आधार पर संविदा शिक्षकों की भर्ती हो। तो दोस्तों, यदि ऐसा होता है तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी, क्योंकि इसमें यदि क्वालिफाइंग मार्क्स को निरस्त कर दिया जाता है और दोस्तों मेरिट सूची के आधार पर रिक्त पदों की भर्ती होती है तो आप सभी को कट ऑफ के आधार पर भर्ती किया जाएगा और इसमें 70 और 90 अंक की जो है पात्रता वो ख़त्म कर दी जाएगी, ठीक है। दोस्तों, चलिए पूरी न्यूज़ पढ़ते हैं और आपको पूरी जानकारी देते हैं। तो संविदा शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग एक में आउट ऑफ कोर्स प्रश्न पत्र आने की लगातार शिकायत परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप सभी जो एग्ज़ाम दे चुके हैं, सभी का एग्ज़ाम आउट ऑफ कोर्स आया है, सभी स्टूडेंट इसकी शिकायत भी कर रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता एडवोकेट सुनील शर्मा ने मुख्यमंत्री कमलनाथ, शिक्षा मंत्री प्रभुराम चौधरी को पत्र लिखकर मांग की है कि पूर्व के भाजपा सरकार द्वारा जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 60% पिछड़ा वर्ग व अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 50% अंक की अर्हता अंकों की पात्रता लागू की गई थी, उसे सम्मेरिट के सूची में अतिरिक्त पदों के आधार पर संविदा शिक्षकों की भर्ती आदेश जारी किया जाए, ठीक है। श्री शर्मा ने कहा कि अनेक अभ्यर्थी ने शिकायत की है कि विभिन्न विषयों के लिए आयोजित संविदा शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग एक जो प्रश्न पत्र व्यापम द्वारा आयोजित परीक्षा में लिए गए थे, उनमें से 10-20% पाठ्यक्रम बाहर से पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, यदि ऐसा होता है दोस्तों, इसके चांस 90% हैं दोस्तों, ऐसा हो सकता है। मेरिट सूची के आधार पर आपकी जो भर्ती है इसमें कराई जा सकती हैं, इस तरह की जाए व्यवस्था मुख्यमंत्री से किया अनुरोध। शर्मा ने कहा कि जबकि व्यापम द्वारा जारी नियम पुस्तिका में अध्याय 2.9 में नियम जारी किए गए हैं कि मंडल द्वारा कुछ कारणों से प्रश्न निरस्त किए जा सकते हैं, उनमें से पहला कारण यह है कि प्रश्न पत्र निर्धारित पाठ्यक्रम के बाहर का हो, दूसरा प्रश्न की संरचना गलत हो, तीसरा उत्तर के रूप में दिए गए विकल्प में से एक से अधिक विकल्प सही हों, चौथा कोई भी विकल्प सही ना हो। तो दोस्तों, इस कंडीशन में जो है क्वेश्चन को निरस्त किया जा सकता है। उन्हें मुख्यमंत्री के अनुसार अनुरोध किया है कि व्यापम को निर्देश जारी करें कि यदि वास्तव में संविदा शिक्षक पात्रता परीक्षा में किसी प्रकार का प्रश्न पत्र व्यापम द्वारा जारी पाठ्यक्रम से बाहर आया तो परीक्षार्थियों को जांच के बाद बोनस अंक दिया जाए। तो दोस्तों, बोनस अंक तो आपको दिए ही जाएंगे, यह तो क्लियर है। अलावा अर्हता अंक की पात्रता समाप्त कर दोस्तों, यदि जो न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स की पात्रता समाप्त की जाती है तो आप सभी का सिलेक्शन हो सकता है इसमें, जिसके क्वालिफाइंग मार्क्स से कम आए हैं दोस्तों, आपका नाम कट ऑफ में आ सकता है। तो दोस्तों, यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।